अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमको छूके भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू छाने लगी दिल पे, दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अरे दी तो कहती है कि ये मुस्कुराता नहीं है, मुस्कुराई तो रहा है। ये तो नौवा अजूबा हो गया। नौवा? आठवा अजूबा तो खुद है ना, नौवा उसका मुस्कुराना। माय गॉड, अरे देख यार अर्जुन के चेहरे पे स्माइल। अरे यार उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, बिल्कुल सविता भाभी के जैसे। मोहन दोबारा ये नाम मत लेना वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है, तुम चाहो तो ये दोस्ती अभी इसी वक्त खत्म कर दो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। सच बताना, तुम सबको झूठ बोल सकते हो, अपने बेटे से भी झूठ बोल सकते हो, एक बार शायद मुझे भी ना बताओ, लेकिन ये बात मैं और तुम सिर्फ हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि तू आज भी उन्हें बहुत याद करता है, कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस करता है। तो ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैं उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं करता। इंसान अपनी जिंदगी में ना तो अपने बुरे दिनों को याद करता है और ना ही उनमें जो कमी थी उसे महसूस करता है। It's a forgotten chapter in my life and some things are best left forgotten. पूर्वी भाभी तो आपके बगल में बैठी हैं। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं अर्जुन को देख रहा हूँ। ये बात बताना जरूरी था? किसी कोने में चुपचाप गुस्से में बैठे होंगे। देख तो सही, देखता रह जाएगा। ओ सच, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन मुस्कुरा रहा है। अमेजिंग। ओ सच। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मतलब आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना हंसते हुए और अपने आप में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सगाई मेरी नहीं तेरी हो रही है। अगर इंसान एक पल में दुखी होकर मुस्कुरा दे और एक पल में मुस्कुराकर दुखी हो जाए तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है यार? तेरी सगाई है, तेरी सगाई पे मैं खुश नहीं हो सकता? और मेरी सगाई की बात तो पिछले 5 दिनों से चल रही है, तब तो मैंने तेरे चेहरे पर ये स्माइल नहीं देखी। मैं खुश तब भी था यार, आज तुझे इस शेरवानी में देखा,
इस माहौल में देखा, अच्छा हुआ तो शादी कर रहा। तू बता या ना बता, कुछ ना कुछ तो है। दी, आप कहाँ थी? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, और वो देखो आपका सड़ू बॉस कब से मुस्कुरा रहा है। पता है, देख रही हूँ। वैसे भी ये पागल कब मुस्कुराते हैं और कब नहीं, पता ही नहीं चलता। ऐसे एक रिंग से दो लोगों के बीच रिश्ता जुड़ जाता है ना, पूर्वी दी की किस्मत एक ही दिन में किसी और से जुड़ने जा रही है। और कैसे कभी कभी सफरिंग से भी रिश्ता जुड़ जाता है। सफरिंग? किसकी सफरिंग? मेरी। आपकी? कौन कर रहा है? कोई करता है टॉर्चरिंग, जिसकी वजह से किसी को होती है सफरिंग। दी, आप आजकल कुछ अजीब ही बातें करने लगी हो। पता नहीं, मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही हूँ। तू यार रिंग की बात कर रही है, दो लोगों के रिश्ते में जुड़ने की बात कर रही है, और कैसे मैं यहाँ सोच रही हूँ कि अच्छे रिश्तों से बुरे रिश्ते बन जाते हैं, टक्कर वाले, लड़ाई झगड़े वाले। दी, आप बदल रही हो। हाँ, मैं बदल रही हूँ। वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो, पर आप बदल रहे हो। Yes, may I help you? वो आप मुस्कुराए क्यों? मेरा मन किया तो मैं मुस्कुराया। सब कहते हैं कि आप दुनिया के आठवें अजूबे, और आपका मुस्कुराना नवा अजूबा। सब आपको अजीब, अतरंगी और खड़ूस ये सब कहते हैं। कौन कौन कहता है ये सब? सारी लड़कियां। वैसे तुम्हारी आरोही दी भी यही बोलती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ। पहले चॉकलेट दो तो बताऊंगी। ओके। नहीं, आरोही दीदी आपको ऐसा नहीं कहती, वो तो आपको जालिम दरिंदा बुलाती है। अब मेरी चॉकलेट। चॉकलेट नेक्स्ट टाइम। जला 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 दीदी सही कहती है। मोहन अब खत्म करो ये सब, प्लीज जस्ट फिनिश दिस ऑफ नाउ। यहाँ पर सब आए हुए हैं, पहले कितनी एम्बैरेसमेंट हो चुकी है मोहन। क्या सोचा था मैंने कि सलिल की शादी जयसवाल के घर होगी, बट अब प्लीज और टाइम मत वेस्ट करो, पेपर साइन करवाओ।
जितनी जल्दी हम ये रिश्ता तोड़ेंगे उतनी आसानी से ये सारी बातें खत्म होंगी, वरना इट्स अ रियल प्रॉब्लम। रिलैक्स बेटी, रिलैक्स। मित्तल साहब, अपनी हैसियत के मुताबिक हम जो कुछ भी कर सकते थे वो हमने किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ करें। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब कुछ बहुत अच्छा किया आपने, बच्चे भी बहुत खुश है। अच्छा तो हम लोग चलते हैं, मिलना तो अब लगा रहेगा। नमस्ते जी। शुक्र है किसी ने तो घर जाने की बात की, वरना ये सलील ये तो शादी करा के घर जाएगा। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तू प्लीज सलील को ले आ। ओए अर्जुन पुत्र, ओए पुत्र इधर उधर क्या देख रहा है, मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, इधर 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 कोने में मेरे से बात कर, मेरे साथ गल कर। ओए लड़की शड़की पसंद आई कि नहीं आई तेरे को? जी नहीं। नहीं आई? ओए फिकर मत कर, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की फोटो है, मैरिज ब्यूरो चलाती हूँ ना 5% पे। हाँ देख ये फोटो ले जा करके ना तकिए के नीचे रख देना, और जिस लड़की का चेहरा नजर आए बस तुझे उसी लड़की से प्यार होगा। हाँ उसका बता देना चेहरा मुझे, मैं उसको फोन नंबर कुंडली सब कुछ ला के दे दूंगी। ये जरूर रख देना फोटो तकिए के नीचे, चेहरा देखना। आ रही हूँ। अर्जुन, what happened? कुछ नहीं डैड, चलिए घर चलते हैं। अर्जुन, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, दो परिवार, दो भरे पूरे परिवार जिनमें मां बाप भाई बहन सब है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुझे ये सब नहीं दे सका। डैड, मैं ये नहीं देख रहा कि ये कितने खुश, दुनिया में करोड़ों लोग होंगे डैड, लेकिन जिंदगी काटने के लिए सिर्फ एक की जरूरत होती है, और मेरी जिंदगी में वो इंसान आप हैं डैड। डैड आप मेरा परिवार ही नहीं, मेरी दुनिया भी है। वी आर देयर फॉर ईच अदर डैड। लेकिन मैं जानता हूं तू अपनी मॉम को मिस करता है ना, कभी कभी उसके बारे में सोचता भी है। हाँ मैं उनके बारे में नहीं सोचता डैड। ठीक है ये सब बातें छोड़, चल खाना खाने चलते हैं। और सुन, हमारी जिंदगी में और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके? लेट्स गो। सरिता जी, हरि प्रसाद, लगता है अब तो बच्चों की तरह से मुझे भी आपको बड़ी मां कहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप हर बार कोई ना कोई तरीका
निकाली लेती है हमारी मदद करने का। वैसे आपके आशीर्वाद से ये सगाई की रस्म बड़ी धूमधाम से बन गई। खैर, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मैंने आपके बेटे को देखा। क्या बताऊं, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कोई भीड़ में अकेला हो। ढेर सारी खुशियों के बाद भी मायूस हो, सबके जैसा होकर भी सबसे अलग थलग। मुझे तो लगा कि वो बिल्कुल आप जैसा है। मुझे पता है कि आप उससे मिली थी, पर उसे ये नहीं पता कि आप उसे कितना मिस करती हैं। आप परेशान मत होइए, दिल मत दुखाइए अपना। मुझे पक्का यकीन है कि वो एक नेक दिन इस बात को समझ जाएगा कि उसकी मां गलत नहीं थी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहां काम नहीं करना चाहती। कल आप बिना इजाजत मेरे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया। आपकी वजह से मेरा दुपट्टा तक फट गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी बजाय कि आप मुझसे माफी मांगे, आप मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। सर, आपने जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया। And I'm really sorry, लेकिन मैं आपके साथ एक मिनट भी और काम नहीं कर सकती। Thank you so much. Sir, आपने फिर मेरा हाथ पकड़ा? देखो आरोही, मेरा एक ख्याल है कि तुम्हें ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे खुद ही नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम अच्छी टाइपिंग करती हो। तुम मुझे पसंद है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी टाइपिंग मुझे बहुत पसंद है। और तुम कॉफी, तुम्हारा कॉफी बनाने का तरीका इट्स वेरी नाइस। और तुम छुट्टी भी नहीं लेती हो, यू नो। कॉफी बनाने का तरीका, पर कॉफी तो मशीन बनाती। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा मतलब है कि आप महसूस करते हैं। आप क्या महसूस करते हैं सर? मैं ही नहीं, पूरा ऑफिस ये महसूस करता है कि तुम फाइल्स बहुत अच्छी तरह मैनेज करती हो। मेरे ऑफिस में आज तक किसी ने इतनी अच्छी तरह फाइल्स को नहीं रखा, यू नो। रियली सर? या एग्जैक्टली। आंखें क्यों फोड़ रहा था? मैं तेरे को नींद से जगाने के लिए आया और तू एक मेरी आंखें फोड़ने में लगा हुआ है। मैं तेरा दोस्त हूं, कोई दुश्मन नहीं। स-
तू अभी कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। I really love you, man. तू मेरा सच्चा दोस्त है। तू कल मेरी सगाई में मुस्कुराया और आज है कि सपने में ही सही, लेकिन मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करी। मैं कॉफी अच्छी बनाता हूँ, मैं काम अच्छा करता हूँ। मैं ये बातें तेरे से कर रहा था। हाँ, मुझसे अपने जिगरी दोस्त से बातें कर रहा था। तू नींद में कितना प्यारा लगता है अर्जुन, और कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। और हाँ, सच बता, तू मेरे बारे में सोच रहा था ना। देख, ये फोटो ले जाकर के ना तकिए के नीचे रख देना, और जिस लड़की का चेहरा नजर आए बस तुझे उसी लड़के से प्यार होगा। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।